दोस्तों, अगर आप नेटफ्लिक्स पर वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज है। जी हाँ, शाहरुख खान की वेब सीरीज बेताल का फर्स्ट लुक सामने आ गया है और जल्द ही रिलीज भी होने वाली है। ये शाहरुख खान के फैंस के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। भले ही शाहरुख खान खुद पर्दे पर से दूरी बनाए हुए हैं, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर वह लगातार फिल्म और डिजिटल प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रहे हैं। शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी वेब सीरीज बेताल का फर्स्ट लुक रिलीज हो चुका है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से इसकी जानकारी दी है। शाहरुख खान लंबे समय से नेटफ्लिक्स के साथ काम कर रहे हैं, वह कई प्रोजेक्ट्स को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। इसकी शुरुआत 2019 में इमरान हाशमी की स्टारर स्पाई सीरीज बार्ड ऑफ ब्लड से हुई थी। इसके बाद अब वह हॉरर वेब सीरीज बेताल को लेकर आ रहे हैं। इस वेब सीरीज को पैट्रिक ग्राहम ने निर्देशित किया है। रेड चिलीज एंटरटेनमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्टर जारी करते हुए लिखा है, ये रहा अपकमिंग थ्रिलर हॉरर वेब सीरीज बेताल का फर्स्ट लुक, जिसे विनीत कुमार और अहोना कुमरा ने निर्देशित किया है। पैट्रिक ग्राहम और निखिल महाजन ने इसे प्रोड्यूस किया है। इसके साथ ही ट्वीट में जानकारी दी गई है कि वेब सीरीज 24 मई को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। आपको बता दें कि इसकी कहानी एक दूर दराज गाँव की है, जिसमें अचानक से 2 शताब्दी पुराना बेताल अपनी बटालियन के साथ लौट आता है। यह बेताल कभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी का अफसर हुआ करता था, जो कि 200 साल बाद जोंबिया की फौज के साथ लौटता है और गांव वालों को संक्रमित करना शुरू कर देता है। जोंबियों की इस फौज से पुलिस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह अलौकिक शक्तियों के सामने असहाय हो जाती है। इस सीरीज में विनीत कुमार, अहाना कुमरा, सुचित्रा पिल्लई, जितेंद्र जोशी, मंजरी पुगला और सायना आनंद जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। तो दोस्तों, अभी तो बेताल का फर्स्ट लुक ही जारी हुआ है, बहुत जल्द ही आपको ये वेब सीरीज को देखने का मौका मिलेगा। अगर आप शाहरुख खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें।